हेलो एवरीवन, माय मिसेस प्रणीता, कक्षा चौथी, विषय हिंदी। बच्चों, क्या आपको मालूम है पहले के जमाने में संदेश कैसे भेजा जाता था? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पहले के जमाने में संदेश चिट्ठी भेजकर या किसी मनुष्य के द्वारा भी संदेश भेजा जाता था। कबूतरों के पैरों को चिट्ठी बांधकर भी संदेश भेजा करते थे, मगर इस विज्ञान युग में संदेश पहुंचाने के अलग अलग साधन हमारे पास है, और उन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? यस, सबसे महत्वपूर्ण साधन है फोन, मोबाइल फोन। आज हम घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, कोरोना की वजह से हम किसी से मिलजुल नहीं पाते, तो मोबाइल ही ऐसा एक साधन है जो हमें जोड़े रखा है। मोबाइल से हम विश्व के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं या किसी भी कोने की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन टीचिंग हो या किसी पे वीडियो कॉल बात करना हो, हम मोबाइल के द्वारा वो सब कुछ संभव कर पाए हैं। आज का हमारा पाठ मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में मोबाइल अपने नुकसान और फायदे के बारे में बता रहा है। मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है, क्योंकि इस कोरोना की वजह से हम घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल इसमें महत्वपूर्ण साधन बन गया है। मोबाइल कहता है कि ट्रिन ट्रिन की आवाज सुनकर आप दौड़ जाते हो। मोबाइल की आवाज सुनकर हम सभी मोबाइल देखने भाग जाते हैं। हाथ में कौन सा भी काम हो, वो काम छोड़कर हम पहले मोबाइल उठाते हैं कि शायद किसी का जरूरी कॉल आया हो, या टीचर्स का मैसेज है, या होमवर्क आया है। ये हम जल्दी जल्दी जाकर देख सकते हैं और सबकी जरूरतें पूर्ण करने का काम मोबाइल ही करता है। एक मित्र की भांति मोबाइल हम सबका साथ निभाता है। भोजन से लेकर अस्पताल तक, यात्रा से लेकर विश्राम तक, पुस्तक से लेकर ज्ञान तक, खरीदारी से लेकर व्यापार तक, हर क्षेत्र में मोबाइल उपयोगी सिद्ध हुआ है। चाहे हमें होटल से खाना ऑर्डर करना हो या किसी यात्रा का टिकट बुक करवाना हो, बैंकों में ऑनलाइन बुकिंग के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में मोबाइल का उपयोग है। मोबाइल ने हमारा जीवन बहुत ही सुखकर कर दिया है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग भी हो। आज के इस युग में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठकर पैसे भी दे सकते हैं, बिल भी भर सकते हैं। तो ये सभी काम मोबाइल की वजह से संभव हो पाए हैं। मोबाइल के पास हर समस्या का समाधान, दुर्घटना हो या कोई विशेष सूचना, उसका क्षण भर में संदेश मोबाइल दे सकता है। चाहे दुर्घटना हो या कोई अच्छा समाचार हो, क्षण भर में मोबाइल से हम वो संदेश भेज सकते हैं। SMS के द्वारा हम परिजनों को निकटता का आभास करा सकते हैं। कोरोना की वजह से हम एक दूसरे से दूर हैं, मगर SMS के द्वारा, वीडियो कॉल के जरिए हम निकट हैं, हम पास हैं, यही हमें लगता है। और यही नहीं, मोबाइल पर हम एक सुंदर सी अपनी तस्वीर भी हमारे प्रियजन, अर्थात जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे जो अपने हैं, उनको हम अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं। चाहे किसी प्रोग्राम की तस्वीरें हो, किसी फंक्शन की हो, या स्कूल की हो, या और किसी की, ये सभी चीजें मोबाइल की वजह से संभव हो पाया है। और तो और, स्टूडेंट भी अपना होमवर्क मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए टीचर्स को सेंड करते हैं। इतने सारे गुण जो है मोबाइल में है। इस वीडियो में हमने मोबाइल के गुण जाने, अगले वीडियो में हम मोबाइल के नुकसान अर्थात उसके दोष जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।